GDP, which gives us the indicator of growth. So nominal GDP जो है, it is calculated on the basis of current year prices, and real GDP is calculated on the basis of base year prices. So out of those two, real GDP is the better indicator of growth because it is focusing on the growth of quantity and not on the change in the prices. Nominal GDP जो है वो price change होने की वजह से price के effect को reflect करता है GDP में, इसलिए हमें actual ग्रोथ इन प्रोडक्शन जो है नहीं पता चलता. रियल जीडीपी में प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं, बेस ईयर के प्राइस होते हैं, इसलिए हमारा जो जो चेंज आता है जीडीपी में वो आता है कोरली ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. इसलिए इसको बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा गया है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक वेलफेयर. ठीक है, सो फॉर टूडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इन टू रियल जीडीपी. इन केस वी आर गिवन नॉमिनल जीडीपी, हम उसे रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिकॉज नॉमिनल जीडीपी इज नॉट ऑफ मच यूज फॉर अस, क्योंकि वो हमें ट्रू इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ नहीं दे रहा. इसलिए अगर हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन है तो हमें उसको पहले रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिकली जो नॉमिनल जीडीपी है उसको प्राइस इंडेक्स के साथ डिवाइड करते हैं. ठीक है, एंड देन वी मल्टीप्लाई इट विद 100. ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक फॉर्मूला. रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100. आपको क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स गिवन है, आपको रियल जीडीपी निकालना है. ठीक है, तो हम बुक का ही एक एग्जांपल लेते हैं जो यहां पे गिवन है. इन 2011 जीडीपी इज रुपीज 100 करोड़. ठीक है, एंड इन 2019 इट इज 200 करोड़ एट द करंट प्राइसेस. मतलब ये करंट प्राइस है तो ये हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन है. ठीक है, सो नाउ प्राइस इंडेक्स जो है इट हैज राइजिंग फ्रॉम 100 टू 400. प्राइस इंडेक्स जो है 100 से 400 में चला गया विद इन द सेम पीरियड, मतलब 11 से लेके 19 तक, 2011 से 19 तक प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है फ्रॉम 100 टू 400. ठीक है, देन जीडीपी एट करंट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी. तो हमें अब रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है. तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है 2019 का, हमें करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर इज 2019. तो हमें 2019 का जो है रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी जो है 200 करोड़ उसको हम डिवाइड कर देंगे प्राइस इंडेक्स से. तो प्राइस इंडेक्स हमारा करंट इसका पहले 100 था, वो 400 हो गया. तो प्राइस इंडेक्स से हमने डिवाइड किया एंड वी मल्टीप्लाई इट विद 100, तो हमारे पास हमारा रियल जीडीपी आ गया दैट इज 50. मतलब जो फिगर हमें 200 करोड़ बता रही थी, नॉमिनल जीडीपी हमें शो कर रहा था कि 2019 में हमारी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 200 करोड़ है, बट एक्चुअल में वो कितना है, 50 करोड़ है. क्योंकि हमने इसमें से प्राइस का इफेक्ट जो है डोमिनेट वो कर दिया, हटा दिया. ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्राइस जो है वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी. एंड इन केस ऑफ अ क्वेश्चन कम वेयर यू आर गिवन रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स, बट यू नीड टू फाइंड आउट द नॉमिनल जीडीपी. तो सिंपल है, यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो प्राइस इंडेक्स अगर चला जाएगा तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 100 जो है वो डिवाइड हो जाएगा. तो उसी तरीके से रियल जीडीपी में प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दो और उसको 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आपका नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा. तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी विच इज 240 इंटू प्राइस इंडेक्स जो कि है 120 अपॉन 100. सो योर करंट जीडीपी इज 288. ओके, बेस्ड ऑन द करंट ईयर प्राइसेस. सो दीज आर द बेसिक न्यूमेरिकल जो जीडीपी से रिलेटेड आपको आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. उसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, जीडीपी डिफ्लेटर. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. ये बेसिकली हमें बताता है चेंज इन जीडीपी ड्यू टू प्राइस लेवल. चेंज इन जीडीपी ड्यू टू द क्वांटिटी और ड्यू टू द प्रोडक्शन वो तो हमें पता लग जाता है थ्रू रियल जीडीपी, बट अगर हमें ये पता लगाना है कि प्राइस की वजह से जो जीडीपी में चेंज आ रहा है, बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, वो हमें जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू पता
है वो कितना चेंज आया है. दैट इज व्हाट व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू अस बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो स्टूडेंट्स माइट गेट कंफ्यूज कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसा है, बट नो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स में जो प्राइस ऑफ जो चेंज ऑफ प्राइस है उसकी बात करता है. और यहाँ पर हम जो जीडीपी डिफ्लेटर के या जो प्राइस इंडेक्स है इसकी जो हम बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली इन द चेंज इन जीडीपी ड्यू टू द प्राइस लेवल. तो ये दोनों टर्म्स जो है वो आपस में डिफरेंस है. मेथड ऑफ कैलकुलेशन माइट बी द सेम बट इट इज नॉट द वन एंड द सेम थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जीडीपी एंड वेलफेयर. नाउ स्टूडेंट्स वी ऑल नो कि जीडीपी इज अ इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. कि वेलफेयर ऑफ पीपल इज बेसिकली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन. ठीक है, तो मतलब अगर रियल जीडीपी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से पर पर्सन जो है कंजम्पशन भी बढ़ेगी, मेकिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट. तो बेसिकली जीडीपी जो है हमारा हमें इंडिकेट करता है द लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ वेलफेयर, और जिसको हम सोशल वेलफेयर भी कहते हैं. इसी रीजन की वजह से प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस ने हमेशा जो है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पे फोकस किया है कि जितना ज़्यादा ग्रोथ जीडीपी का होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, और जब जितने फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में बढ़ेंगे उतनी ही अवेलेबिलिटी पर पर्सन जो है वो भी इम्प्रूव होगी. तो जीडीपी यू कैन से इज द इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. सो जीडीपी एंड वेलफेयर आर वन एंड द सेम थिंग. जीडीपी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द वेलफेयर और सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल. हायर द जीडीपी, हायर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हायर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब पर पर्सन इन द इकोनॉमी इज एक्सेसिबल टू गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे पता चलता है कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है. और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पर्सन इंप्रूव होती है तो इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से वेलबींग में होती है, ग्रो करती है. इसलिए पॉलिटिशियंस जो है वो फोकस करते हैं टुवर्ड्स दी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. ये इंपॉर्टेंस है जीडीपी की. ठीक है, ना ओनली लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर, दैट वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.